गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वन सेकंड वेलकम बैक टू गाइस दी अध्यापक। और आज इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड में जो शिक्षिका एवं कर्मियों की भर्ती निकलेगी उस पर। साथ ही कल एक वीडियो बनाया था जिस पर आप सभी दोस्तों का कमेंट आया था, जिस पर आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, तो इस वीडियो में वह सारे डाउट्स क्लियर करने का कोशिश किया हूँ। साथ ही आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं वह क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, यह जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यह 10/6/2021 को जारी किया गया था। साथ ही जो राजेश कुमार शर्मा सचिव हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इनके द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। देखिए इस पर क्या दिया गया है विषय में कि राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त पूर्णकालिक शिक्षिका एवं रसोईया तथा चतुर्थ वर्गीय पदों को भरने के संबंध में। तो इस पर जो आपके डाउट थे कि सर टीचिंग फील्ड में जो शिक्षिका की भर्ती होगी वो तो ठीक है, लेकिन जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उस पर मेल कैंडिडेट आ सकते हैं या नहीं, तो इसको यहाँ पूरा डिटेल में बताया गया। देखिए आगे मैं बताता हूँ। उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके नियंत्रणाधीन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक रसोईया तथा पूर्णकालिक चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के पद रिक्त रहने के कारण विद्यालय के शैक्षणिक उपलब्धि तथा विद्यालय प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञातव्य हो कि राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्वीकृत 1015 वार्डन शिक्षिकाओं के विरुद्ध मात्र 632 शिक्षिकाएँ कार्यरत है। इस संबंध में पूर्व में भी आपको निर्देशित किया गया था, परंतु कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में निम्नांकित पदों पर प्राथमिकता के आधार पर जिले में उपलब्ध रिक्त अनुसार रोस्टर का निर्धारण कर चयन हेतु कार्रवाई की जानी है। तो देखिए यहाँ पोस्ट वाइज डिटेल्स में दिया गया है। देखिए यह 5 पोस्ट दिया गया है, जिस पर पहला है पूर्णकालिक शिक्षिका, जिस पर महिला का पद है। इस पर विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान के लिए है और इस पर जो संख्या दिया गया है वह 4 है। और साथ ही दूसरा नंबर में पूर्णकालिक रसोईया, इस पर भी महिला कैंडिडेट है, इस पर जो संख्या है वह 1 है। तीसरा नंबर पूर्णकालिक रात्रि प्रहरी, इस पर भी महिला है और इसका भी जो संख्या है वह 1 है। सहायक कर्मी आदेशपाल महिला, इस पर भी महिला कैंडिडेट को प्राथमिकता दिया गया है, इस पर भी 1 है। लेखापाल स कंप्यूटर ऑपरेटर, इस पर भी महिला है, यानी इस पर भी संख्या 8 है। तो ये कुल संख्या 8 हो जाती है। साथ ही ये जो टोटल पोस्ट हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए ही हैं, तो इस पर मेल कैंडिडेट नहीं आ सकते हैं। इस पर यहाँ देखिए डिटेल में दिया गया है। साथ ही नोट पर दिया गया है अंशकालिक शिक्षिकाओं के लिए अलग से दिशा निर्देश प्रेषित किया जाएगा, तो इनके लिए अलग से दिशा निर्देश प्रेषित किया जाएगा। और इस पर और दिया गया है शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा पदों के रिक्त रहने पर मानदेय राशि की स्वीकृति नहीं प्रदान किया जाता है। प्रतीत होता है कि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी स जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो ये डिटेल जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तरफ से आ रही थी, जिस पर पूर्णकालिक शिक्षिकाओं और रसोईया तथा चतुर्थ वर्गीय पदों पर भर्ती होने के संबंध में था। तो इस पर और सारे डाउट आपके नहीं होने चाहिए थे। इस पर जो टोटल पोस्ट हैं वे सभी महिला कैंडिडेट के लिए है। साथ ही किन्हीं का सवाल था कि इसको ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वह 25 तारीख को आएगा। साथ ही मुझे लगता है कि यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में होना चाहिए। तो यह जो 25 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज होगा उस पर डिटेल में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही आप झारखंड के किस जिला से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वह भी बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।